हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। किसी भी व्यक्ति के जीवन का मुख्य आधार चार चीज़ों पर आधारित होता है, चाहे वो जीवन का कोई भी लक्ष्य हो। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार बातों पर ही व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होता है। इसके अलावा बचपन, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और फिर होती है वृद्धावस्था। ये चार अवस्थाएँ व्यक्ति के जीवन में आती हैं और ये जो किसी भी व्यक्ति के जीवन की चार अवस्थाएं आती हैं, ये व्यक्ति के जीवन में चार ही आश्रम पर निर्भर करती हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हमारी कुंडली के चार त्रिकोणों पर आधारित होती है। ब्रह्मचर्य धर्म से जुड़ा होता है, जिसमें लग्न को जोड़ा जाता है। गृहस्थ को सेकेंड हाउस से जोड़ा जाता है, वानप्रस्थ को थर्ड हाउस से जोड़ा जाता है और फिर अंत में आता है संन्यास, जिसे कुंडली के फोर्थ हाउस से जोड़ा जाता है। इस तरह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों त्रिकोण भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार स्तंभ माना जाता है। और इसी तरह से कुंडली के 12 भावों को चार चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ब्रह्मचर्य के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो होता है गृहस्थ जीवन, क्योंकि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति वो सारे काम करता है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और इसीलिए हर भाव, हर आश्रम और हर त्रिकोण पर ये आधारित होता है। हर उम्र को उसी के हिसाब से डिवाइड करके उनको एक निश्चित कार्यभार सौंपा गया है। जैसे 1 वर्ष से 25 वर्ष का जो समय होता है वो ब्रह्मचर्य को दिया गया है, जिसमें एक बच्चे पर उसकी एजुकेशन के लिए उसका मन और उसकी बुद्धि कार्य करती है। ये समय शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है। आज उसे स्कूल और कॉलेज का नाम दिया गया है, लेकिन प्राचीन समय में इसको गुरुकुल कहा जाता था, मठ कहा जाता था। 25 से 50 वर्ष का जो समय होता है वो गृहस्थ जीवन को दिया गया है, जहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन के वो सारे काम करता है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। 50 से लेकर के 75 वर्ष की जो उम्र होती है वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ की तरफ मुड़ता है, जहाँ वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समाज सेवा में लग जाता है, धर्म सेवा में लग जाता है। 75 की उम्र के बाद का जो समय होता है व्यक्ति को संन्यास की तरफ ले जाता है, यानी पूरा जीवन का जो भी कार्यभार होता है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कुंडली में कौन से भाव की मैच्योरिटी एज क्या होती है और ग्रहों की मैच्योरिटी एज क्या होती है, इससे संबंधित वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आप उसे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। इस तरह लग्न से शुरू होकर 12th हाउस तक, यानी द्वादश भाव तक, व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। लेकिन आज के आधुनिक समय में ना तो वो आश्रम व्यवस्था है और ना ही प्राचीन समय से चली आ रही वो परंपराएँ हैं। जिसको जो सही लगता है वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से काम करता है और इसीलिए जीवन में उतनी ही परेशानियों को भी वो फेस करता है। मेरे पास ऐसे बहुत से केस रोज आते हैं कि व्यक्ति विशेष के जीवन में वैवाहिक सुख की कमी है या दोनों में आपसी सामंजस्य की कमी है। एक ही छत के नीचे रहकर आपस में बातचीत नहीं होती। कई बार वैवाहिक जीवन इतना दुखदायी हो जाता है कि पति पत्नी तलाक ले लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। ये सब जैसे आज के समय में एक फैशन सा बन गया है। ऐसा ही एक सवाल मेरे पास आया है कि क्या वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव या भावेश को देखना ही पर्याप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो भी ज्योतिष की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि सप्तम भाव को विवाह के लिए देखा जाता है। प्रोमिनेंट हाउस है विवाह के लिए सप्तम भाव। बहुत से लोग या बहुत से ज्योतिषी केवल सप्तम भाव या सप्तमेश या सप्तमाधिपति से डिसाइड कर लेते हैं कि विवाह का सुख जातक को मिलेगा या नहीं मिलेगा या वैवाहिक सुख कैसा होगा। कई बार गण मिलान से भी वो कुंडली मिलान कर देते हैं। बाद में जो होता है वो हम सभी जानते हैं। 36 गुण वाला कपल फाइट कर रहा होता है और 4 या इससे ज़्यादा गुण वाला जो कपल होता है वो अच्छा वैवाहिक जीवन जी रहा होता है। तो मेरा ये मानना है कि कुंडली मिलान के समय केवल गुण पर ही डिपेंड रहना उचित नहीं है, बाकी सबका अपना अपना इस विषय पर मत है। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं
कि विवाहित जीवन के लिए किन किन भावों और किन किन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुंडली के 12 भावों में से 6 भाव विवाह के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके पीछे का मेरा लॉजिक है कि जब सप्तम भाव को आप विवाह के लिए देखते हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है लग्न से, मतलब जस्ट हाफ। 360 डिग्री की हमारी कुंडली होती है और 180 डिग्री पर लग्न से सप्तम भाव आता है। इसलिए 12 भावों में से 6 भाव विवाह के लिए पूरी कुंडली में हमें ज़रूर देखने चाहिए, और वो भाव हैं लग्न, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। ये सभी भाव देखें, इन सभी के भावेश को देखें। हर भाव और भावेश का विवाह से संबंध होता है। केवल एक सप्तम भाव और भावेश से प्रेडिक्शन करना कई बार गलत हो जाता है। इसके साथ ही इन सभी भावों में बैठे हुए ग्रहों को देखें, किन ग्रहों का आस्पेक्ट इन भाव और भावेश पर पड़ता है उनको देखिए, और सबसे ज़रूरी बात, इनका आपस में क्या संबंध है, कैसा संबंध है। दूसरी जो चीज़ है वो है शुक्र। शुक्र जो विवाह के लिए देखा जाता है, कुंडली में वैवाहिक जीवन कैसा होगा उसे शुक्र से ज़रूर देखना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपकी मानसिकता के लिए देखा जाता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि चंद्रमा से सप्तम और पंचम भाव देखें, वहीं आप शुक्र से भी देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस का कारक है, विवाह का कारक है, और चंद्रमा इन दोनों चीज़ों के लिए आपकी मानसिकता को शो करता है कि विवाह के लिए आप कितना तैयार हैं। तो शुक्र से और चंद्रमा से पंचम भाव और सप्तम भाव, पंचमेश और सप्तमेश जरूर देखें। यदि शुक्र से और चंद्रमा से पंचम या सप्तम भाव में पीड़ा होगी तो वैवाहिक सुख में कमी होगी, और अगर शुभ प्रभाव होगा तो वैवाहिक सुख व्यक्ति को जरूर मिलेगा। इसके अलावा लग्न से भी ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विवाह आपका हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, तो लग्न से, शुक्र से और चंद्रमा से पंचम भाव पंचमेश और सप्तम भाव सप्तमेश की स्थिति कुंडली में जरूर देखनी चाहिए। इसके अलावा कुंडली में मंगल की स्थिति जरूर देखें, क्योंकि मंगल से मांगलिक कार्य देखे जाते हैं, और जो सबसे आखिर में देखा जाता है वो है गुरु और शनि का डबल ट्रांजिट, यानी कि गोचर। क्योंकि गुरु जीव है और विवाह के लिए, आशीर्वाद के लिए देखा जाता है। विवाह चाहे किसी भी धर्म में हो, हम लोग जानते हैं बिना धर्म गुरु के या फिर बिना किसी पंडित के विवाह संपन्न नहीं माना जाता। और शनि टाइम व्हील है जो विवाह की स्टेबिलिटी के लिए देखा जाता है। यहाँ एक और बात का आप ध्यान रखिए कि राहु का प्रभाव इन सब पर नहीं होना चाहिए, वरना परेशानियाँ विवाहित जीवन में दिखाई देगी। ये सब विवाह को देखने के लिए लग्न चार्ट का बेसिक प्रॉमिस है। इसी से आप जान सकते हो कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके अलावा आप नवांश में भी इन सभी पैरामीटर्स को जरूर देखिए, क्योंकि नवांश में ही ग्रहों की सही स्ट्रेंथ दिखाई देती है, और हम लोग जानते हैं विवाह को देखते समय नवांश को इग्नोर करना कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस करने जैसा होगा, और वहीं से विवाह के लिए ज़रूरी बातें जो भी होंगी वो मिस हो जाएंगी और हमारी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो नवांश को आप विवाह के लिए ज़रूर देखें। इसके साथ ही विवाह के समय की दशाएं कैसी व्यक्ति को मिलने वाली है, और जो दशा का सिक्वेंस आने वाले समय का होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी विवाहित जीवन के लिए। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है विवाह को देखने के लिए। इनमें से अगर एक भी पॉइंट मिस होता है तो प्रिडिक्शन के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मेरा जो सबसे फेवरेट ज्योतिष का एक पॉइंट है विवाह को लेकर, वो है अष्टक वर्गा। इससे भी आप देख सकते हैं कि विवाह कैसा होगा, विवाह से सुख कैसा होगा। ये दो बातें हैं, विवाह का सुख और विवाह से सुख किसी व्यक्ति को कैसा मिलेगा। एक वीडियो मैंने इसका चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि अष्टक वर्ग से कैसे जाने कि विवाह का सुख कैसा होगा, आप वो वीडियो सुनिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। मेरा एक और फेवरेट पॉइंट है विवाह को देखने के लिए, और वो है जैमिनी ज्योतिष के अनुसार उपपद लगन। अगर आप ज्योतिष के इन सभी बेसिक पैरामीटर्स से देखना नहीं चाहते
तो आप केवल उपपद लगन से बिल्कुल एक्यूरेट वैवाहिक जीवन के बारे में बता सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। विवाह को लेकर जो जरूरी बिंदु हैं वो भी आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपकी भी विवाह को लेकर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके साथ उनको डिस्कस करने की। और आप अगर पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।